देवी गायत्री, जो कार्य तुम्हारे प्रभु विष्णु नहीं कर पाए तुम कैसे कर सकती हो? लाओ ये चारों वेदों को मुझे दे दो। अधर्मी, तुझे ज्ञात नहीं किंतु मैं इन वेदों की माता हूँ, और एक माता से उसकी संतानों को कोई नहीं छीन सकता। जो विष्णु को पराजित कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे धर्म का साम्राज्य बस अब समाप्त होने ही वाला है। लाओ चारों वेदों को मुझे दे दो। धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता। गायत्री, तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो, परंतु संसार को ज्ञान का मार्ग दिखाने वाले इन वेदों को मैं नष्ट करके ही रहूंगा। नारायण नारायण, ये कैसे संभव हो सकता है? हमें स्वयं की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। सबकी रक्षा करने वाले नारायण स्वतः अचेत अवस्था में। देवराज, ऐसी दुर्घटना संसार में कभी नहीं घटी होगी, किंतु हमें प्रभु को सचेत करना ही होगा। हे जगत पालक, हे धर्म रक्षक, हे प्रभु, उठिए प्रभु, उठिए, आंखें खोलिए प्रभु, आंखें खोलिए। हे नारायण, आंखें खोलिए। हे प्रभु, उठिए प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु। हे नारायण, आंखें खोलिए। हे प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु। नारायण, आंखें खोलिए। हे प्रभु, उठिए प्रभु, आंखें खोलिए प्रभु। प्रभु, 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 क्या हुआ प्रभु को? गायत्री, तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां तुम छुप सको। ठहर जाओ और दे दो मुझे इन वेदों को। जब तक मुझ में प्राण है ये कभी संभव नहीं होगा। तो ठीक है, पहले मैं तुम्हारे प्राण लूंगा और फिर इन वेदों को। वैसे तुम देवी देवता धर्म और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हो, परंतु जब तुम्हारे पराजय का समय आता है तो छल करने से नहीं चूकते। किंतु मैं भी देखता हूं कि कब तक बचती हो तुम मुझसे। आओ सामने आओ। देवी, तुम्हारी आंखों के सम्मुख तुम्हारे इन पुत्र समान चारों वेदों को ले जाऊंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। हे ग्रीव, अपने अहंकार के कारण तू इन वेदों की शक्ति को पहचान नहीं पा रहा है, किंतु यदि तू इन वेदों को नष्ट करेगा तो स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। न वेद, न ईश्वर, न कोई अवतार हैग्रीव को केवल हैग्रीव ही मार सकता है। ठहर जाओ हैग्रीव, ठहर जाओ। देवऋषि, क्या हुआ मेरे प्रभु को? सृष्टि में ऐसी कौन सी शक्ति आ गई
जो सृष्टि के पालनहर्ता नारायण का अहित कर सके। कैसे हुआ ये देवर्षि, कैसे हुआ? माता, हम तो स्वयं निशब्द हैं, हमें तो केवल इतना ही ज्ञात है कि प्रभु यहाँ वेद माता गायत्री की रक्षा के लिए ही आए थे, किंतु माता, ये अवश्य ही हेग्रीव का काम है। माता, हेग्रीव के इस महासंकट से केवल आप ही हमें बचा सकती हैं, इस संसार की रक्षा आप ही कर सकती हैं माता, प्रभु को सचेत कर सकती हैं माता। हे नारायण, हे अनादि, आंखें खोलिए, हे प्राणियों के प्राण, हे भूतात्मा, हे पुरुषोत्तम, आंखें खोलिए। देवी, आप किंतु इसका तो अर्थ है कि कैसी विडंबना है राजन, जिस माता लक्ष्मी के स्पर्श मात्र से भगवान विष्णु की मूर्छा टूट गई, उन्हीं के श्राप से भगवान विष्णु का शीश भंग होने वाला है, और वो समय अब समीप ही है, क्योंकि अब हैग्रीव संसार के समस्त ज्ञान से परिपूर्ण चारों वेदों को लेकर अपनी माता धनु के पास पहुंच चुका है। माता, यह संसार का संपूर्ण ज्ञान अब आपके पुत्र की मुट्ठी में है। गर्व है हमें तुम पर, संपूर्ण दानव जाति को तुम पर गर्व है कि संसार के जिस ज्ञान की रक्षा में 33 करोड़ देवी देवता थे, उसे मेरे पुत्र ने अपने अधिकार में कर लिया। ये सब देवताओं के कारण ही हो पाया है माता, उन्होंने संसार के संपूर्ण ज्ञान को इन भोजपत्रों में बांध दिया। संसार के ज्ञान को समाप्त करना इतना सरल पहले कभी नहीं था। मूर्ख देवता, अब विलंब मत करो, जलाकर राख कर दो संसार के इस ज्ञान को, अति शीघ्र। जो आज्ञा माता। इन थोड़े से ज्ञान में ही देवताओं के विधि विधान, उनकी शक्ति, सब कुछ सम्मिलित है। इसके अंत होते ही अंत हो जाएगा देवताओं के साम्राज्य का। ये कैसी माया है, ये नष्ट क्यों नहीं हो रहा? ये केवल भोजपत्र नहीं है पुत्र, अपितु ज्ञान है, और ज्ञान का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक वो जागृत अवस्था में ना हो। सबसे पूर्व तुम्हें इन चारों वेदों को जागृत करना है। नारायण नारायण, प्रभु, संसार का समस्त ज्ञान, संसार के सबसे बड़े शत्रु
हयग्रीव के पास है। अब उन वेदों को हयग्रीव से वापस कैसे लिया जा सकता है प्रभु? देव ऋषि, हयग्रीव को बल से नहीं जीता जा सकता, अब तो केवल रूप ही है जो उसे जीत सकता है। नारायण नारायण प्रभु, हयग्रीव अपने उद्देश्य को लेके पूर्णतः समर्पित है, तो क्या संसार में कोई ऐसा रूप है जो उसे लुभा सके? देव ऋषि, इसी विषय में तो हम विचार कर रहे थे, किंतु स्त्री सुंदरता के बारे में ज्ञानियों में अत्यंत मतभेद है। कोई कहता है वो स्त्री सुंदर होती है जिसका मुख चंद्रमा के समान है, तो कोई स्त्री के शरीर सौष्ठव में ही उसकी सुंदरता का प्रतिमान बताता है। कोई कहता है स्त्री का नाक तोते की तरह होना चाहिए, तो किसी के लिए उनके होठ दाढ़िम की तरह लाल। कोई स्त्री के केश में सुंदरता को ढूंढता है, तो कोई उसके नख में आसक्त हो उठता है। इसीलिए देव ऋषि, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हयग्रीव के लिए किस प्रकार की स्त्री का चुनाव करें। तो उसे हर प्रकार से मोह ले। स्वामी, इसमें कठिन कार्य क्या है? आप एक ऐसी स्त्री का निर्माण कीजिए जो नख से शिख तक सुंदर हो, जिसमें सुंदरता के सभी प्रतिमान हो। देवी, बात यह है कि सुंदरता के विषय में सबकी अपनी दृष्टि होती है, पर हमें तो भय लग रहा है कि कहीं हम उसे कुरूप न बना दें। स्वामी, सुंदरता कुरूप कैसे हो सकती है? यदि आपको विश्वास ना हो तो हम अभी इसी पल संसार की सारी सुंदरता धारण करके आपको दिखा सकते हैं। नहीं देवी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी, संपूर्ण सृष्टि संकट में है, हमें आपकी सहायता करने का एक अवसर दे दीजिए। हम अभी आपको दिखाते हैं नक्षिक सुंदरता किसे कहते हैं। हे प्रकृति के तत्वों, आप सभी में कुछ ना कुछ विशेष एवं सुंदर है। हम आप सभी की सुंदरता का आवाहन करते हैं, जो एक स्त्री को संपूर्ण बनाते हैं। हे नदियों, हमें अपनी चंचलता दो। पर्वतों, अपनी कठोरता दो। हम दाढ़िम के फलों से अपने होठों के लिए लाल रंग और अंधेरों से अपने केशों के लिए काले रंग का आवाहन करते हैं। हमारी आंखें हिरनी के समान, नाक तोतों के समान और होंठ फूलों की पंखड़ियों के समान होने चाहिए। हम आवाहन करते हैं स्वामी, हमने नख से लेकर शिख तक संसार के सारे सौंदर्य का गुण और धर्म धारण कर लिया है। इसी प्रकार तुम्हें अन्य तीन वेदों को भी जागृत करना है, उसके पश्चात अंत कर देंगे संसार से समस्त ज्ञान का। अब आप हमारी सुंदरता देखिए। शांत क्यों है बताइए,
संसार का समस्त सौंदर्य धारण करके हम कैसे लग रहे हैं? स्वामी, आप इस तरह हम पे हंस क्यों रहे हैं? देवी, हम आप पर नहीं हंस रहे हैं, अपितु आपके रूप पर हंस रहे हैं। स्वामी, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। स्वामी, हम आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और आप हमारा ही उपहास कर रहे हैं। बस मुझे ना नारायण, बस बस नारायण, बस मैं आपको श्राप देती हूं, जिस मुख से आप हमारा उपहास कर रहे हैं वो मुख आपके धड़ से अलग हो जाएगा। विक्रम, तो यही सोच रहा होगा कि माता लक्ष्मी ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया। किंतु प्रश्न तो ये है कि भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को क्रोध दिलाया ही क्यों? तू समझ गया विक्रम, ये भगवान विष्णु की माया थी। वो चाहते थे कि माता लक्ष्मी उन्हें श्राप दे। किंतु मेरा प्रश्न फिर वही है, भगवान विष्णु ने ऐसी माया रची ही क्यों कि लक्ष्मी भगवान विष्णु को शीश कटने का श्राप दे? मेरा प्रश्न ध्यान से सुनना राजन, कहीं ऐसा ना हो मेरे प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी तू मेरे प्रश्न का उत्तर ना दे पाए और मैं तेरे शीश के टुकड़े टुकड़े कर दूं। राजन, किंतु भय से नहीं, आओ से भरकर कथा सुनो और भय संसार के लिए छोड़ दो, क्योंकि हयग्रीव और उसकी माता दनु ने ज्ञान को समाप्त करने के लिए चारों वेदों को जागृत कर लिया था। पुत्र, हमने संसार के संपूर्ण ज्ञान को गायत्री द्वारा रचित चारों वेदों को जागृत कर लिया है। अब दानव राज को स्थापित करने के लिए हमें केवल इनका वध करना है। लगता है हम सभी वेद दानवों के अधिकार में आ गए हैं, किंतु हमें तो लगता है हम देवता और मनुष्यों के पथ प्रदर्शक करने के लिए बनाए गए हैं। हम ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान होता है वे उसके विकास में सहायक होता है। शांत हो जाओ, तुम्हारे ज्ञान की हमें आवश्यकता नहीं, हमारे लिए केवल तुम्हारा एक ही कार्य है और वो है तुम्हारा नष्ट होना। समय नष्ट मत करो है ग्रीव, इसके पहले कि देवता कोई और माया रचे। जाओ, नष्ट कर दो इन चारों वेदों को। श्राप देती हूँ, जिस मुख से आप हमारा उपहास कर रहे हैं वो मुख आपके धड़ से अलग हो जाएगा। नहीं, प्रभु 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 प्रभु, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। हमने क्रोध में आके आपको शीश भंग का श्राप दे दिया। हम अभी इसी क्षण अपना श्राप वापस लेते हैं। देवी, आपके मुख से निकली वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। आपने जो कहा है वो अवश्य फलित होगा। नहीं प्रभु, नहीं, ये हमने क्या कर दिया? इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा पाप हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता प्रभु।
हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। शांत हो जाओ देवी। देवी, इस संसार में जो कुछ घटता है उसका कारण मैं हूं। इसीलिए यदि आपने कोई कार्य निष्काम भाव से या बिना किसी उद्देश्य के किया है तो उसके दोषी आप नहीं। प्रभु, ये आपकी उदारता है जो अच्छे कर्मों का श्रेय संसार को देते हैं, और प्राणियों के भूल से हुए दोष स्वयं धारण कर लेते हैं। आप धन्य है प्रभु। नहीं देवी, यही सत्य है। इस संसार में अच्छा बुरा जो कुछ घटता है उसका कारण मैं ही हूं, और आज आपने इस संसार के समस्त सौंदर्य को धारण किया है, और आपका अर्ध अंग होने के कारण आपके सौंदर्य का अर्ध रूप हम भी धारण करते हैं।